हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है अपनी घटनाचक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स की क्लास है। इसका जो फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आज जो है सेकेंड लेक्चर है आर्थिक से। और आर्थिकी का जो है अपने आप में एक विशेष रोल होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 13 से 14 क्वेश्चन जो है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड आप जिस स्टेट से पढ़ रहे हैं उस स्टेट्स के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, आज स्टार्ट कर दें यहाँ से। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है सही व्याख्या है। ये क्वेश्चन UPPCS प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी, धारण क्षमता के साथ। सतत विकास का आधार है ऑप्शन सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ऑप्शन सी, संपोषणीय विकास की परिभाषा है। UPPCS प्री 2018 में आया वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन की। ऑप्शन ए इसमें सही विकल्प है। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझाया जाएगा? तो ऑप्शन डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्वार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है ऑप्शन सी, राजस्थान में। इंडस्ट्रियल एरिया है नीमराणा, राजस्थान में स्थित है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, कथन फर्स्ट, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। सेकंड है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। थर्ड है, गोचर धन का संचय हो पाता है। और फोर्थ है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अगोचर धन का संचय हो पाता है। और सेकेंड, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमता में वृद्धि हो पाती है। नेक्स्ट है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संसाधनों का समुचित उपयोग प्रयोग उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी, सन 2011-12 में। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? ऑप्शन सी, 2, 3, 4। तो मतलब सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना,
जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना और दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। इस प्रकार जो है 2, 3, 4 इसमें सही आंसर है, ऑप्शन सी सही विकल्प है। सरकार के समावेशित लक्ष्य वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं। फर्स्ट है स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों ही इसमें सही है। आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी सही है, 2, 3, 1। फर्स्ट है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और थर्ड होगा इसमें निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न उच्च जन्म दर, और लास्ट में होगा निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी 12 सितंबर 2019 को। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा से एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी खाद्यान्नों का निर्यात। किसी निजी क्षेत्र की बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। ऑप्शन बी HDFC बैंक ने। भारत की कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्यिक बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, तो ये स्टार वाला क्वेश्चन था, वो UPRO ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। ऑप्शन डी चारों, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा जो है व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, और उपभोक्ता सहायकियाँ, चारों जो है प्रभावित कर रही थी नीतियाँ को। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, तो ऑप्शन सी 2, 3, 6। प्राथमिक कृषि साख समितियों को कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, सरकारों द्वारा शीतागार यानी कि कोल्ड स्टोरेज को सुविधा को स्थापित करना। इस प्रकार सी ऑप्शन सही आंसर है। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही है। ए धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, और तीसरा है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 यानी कि यह कृषि वस्तुओं के लिए जो है सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल है, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। इस प्रकार जो दोनों ही कथन इसके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद गठित हुए हैं। ऑप्शन बी केवल 2, 3, 4 यानी कि 2 विश्व व्यापार में भारत की निर्यात का अंश बढ़ा है, और FDI का अंतर प्रवाह यानी कि इनफ्लो बढ़ा है, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। ऑप्शन बी नॉर्वे के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल्स हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है। सही आंसर जो इसका होगा वो है ऑप्शन बी केवल 3 कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, इसका जो है मेन पर्पज था। निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी
मध्यस्थों की समाप्ति, भूमि द्रत सुधार और जोतों की हदबंदी। सूरजधारा योजना संबंधित है ऑप्शन बी, बीज अदला बदली से। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? ऑप्शन सी, चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे और ये जो थे सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे भारत में। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी, बहुफसली योजना। भारत में सीमांत जोत का आकार है तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो होती है वो सीमांत जोत के अंतर्गत आती है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है ऑप्शन डी, लघु कृषक। UPRO AR में पूछा गया था, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 वाले पेपर में। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो प्रभावी कारण है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रामीण निर्धनता। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार है ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम भूमि। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। RO AR प्री 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है ऑप्शन ए, ताज निकालने की अवस्था। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना, उपयुक्त अंश संबंधित है ऑप्शन बी, सामुदायिक विकास से। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो ये हो जाए आंसर ए, कपास की फसल के लिए। कृषि उत्पादन में काष्ठ के फलों हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना है? स्टार वाला पॉइंट था, क्वेश्चन था। वर्तमान में जो है यहाँ पे 18.8% अनुमानित है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है? तो 15%। इस समय भारत की, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, स्टार। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010 से 11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा? ऑप्शन बी, लगभग 15%। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है घट रहा है। NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 1 और 3। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है, और ऑप्शन 3, केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है ऑप्शन ए, निरंतर कम होता रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में से कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है ऑप्शन सी से 57.8%। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में जो है विश्व में सर्वाधिक रहा? तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कहवा मंगोलिया। कहवा जो है ब्राजील में होता है ना कि मंगोलिया में। UPPCS RO AR में पूछा गया था 2021 में। इकोनॉमिक्स से काफी अच्छे जो है क्वेश्चन बनते हैं आपने अब तक देखे। RO AR में इसी पार्ट से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले।
निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यह भी आरओ एआरओ 2021 में आया हुआ था। आम, लीची, नारियल, सेब। सही कथन होगा ऑप्शन सी। ए का फोर्थ होगा। आम सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में होते हैं। उसके बाद जो है लीची जो होती है ये बिहार में होती है, और नारियल जो होता है केरल में, और सेब की खेती जो होती है जम्मू कश्मीर में। निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? ऑप्शन सी 2004 से 5 में। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन बी भिंडी की। और यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया था। लगातार छठा क्वेश्चन यहीं से आया है, तो लगातार 6 क्वेश्चन जो है यूपी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी के एग्जाम 2021 में यहाँ से आए थे, इसी पार्ट से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में जो है वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? ऑप्शन सी 2014 से 15 में। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? ऑप्शन ए 2002 से 2003 के बीच। 1997 से 98 में भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है? ऑप्शन ए 2.4%। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत की औसत फसल गहनता है लगभग 135%। निम्न कथनों में से जो है कौन क्या हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है लेकिन परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। कथन ए भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। कारण आर अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। तो ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी कर्नाटक। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चाइना, चीन। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में सबसे पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? ऑप्शन डी वनस्पति तेल का। 2015-16 में भारत में निर्यात प्याज की मात्रा थी लगभग, तो 12 लाख टन हमने प्याज मंगाई थी, निर्यात की थी यहाँ से। निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों में उनके जो है कॉफी उत्पादन 2016 मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चयन करें। ऑप्शन बी सही है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, उसके बाद वियतनाम सेकंड पे, और थर्ड नंबर पे कोलंबिया, और फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया। निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था? तो मसूर का। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? कच्ची कपास। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? ऑप्शन बी कच्ची कपास। निम्न में से कौन सा एक कृषि में
उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ऑप्शन सी सहकारी कृषि। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। राष्ट्रीय आय का रोजगार, औद्योगिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति। स्टार वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। भारत के श्रमिक बल में प्रायः कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? ऑप्शन बी 65%। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए कृषि निर्यात का संवर्धन। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी ज्वार। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था? ऑप्शन सी 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन सी 1999 से 2000 के बीच। काली क्रांति संबंधित है तो ऑप्शन बी कोयला उत्पादन से। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999 में। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया था? 2004 से 5 में। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी? ऑप्शन बी डी 1992 में 1992 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी केवल दो कथन सही है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन डी कृषि अभियांत्रिकी को। आठवीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है? ऑप्शन बी 15। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है? ऑप्शन सी पेंशन तथा बीमा, दोनों बीमा का लाभ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन डी मई 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि NHM से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन सी इसके केवल दो अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य नहीं है। स्टार भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ था? तो 2007 से 8 की रबी फसल से। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन बी चाइना यानी कि चीन। और UPRO ARO 2021 में पूछा गया था। लगातार आठवां क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिक्स से। निम्नलिखित स्टार वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन या क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन सी मत्स्य पालन। हरित क्रांति से हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 37 से 47%। और UPRO ARO में 2021 में पूछा गया था। लगातार नौवा क्वेश्चन है यहाँ से। नीली क्रांति संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से।
पीत क्रांति संबंधित है? ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? ऑप्शन डी बीज उर्वरक जल तकनीकी। पीली क्रांति संबंधित है तोरिया सरसों उत्पादन से। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई वॉरलॉग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है इस योजना में निहित उपादान का लाभ कम हो सके। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर, उत्तराखंड में है, यूके में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी कृषि विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन डी जैविक खेती। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है ऑप्शन बी विश्व बैंक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी केवल दो कथन सही है। यह योजना चक्रवात व गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है।